हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी चैनल। आज मैं आपसे पेटीएम के एक ऑफ़र के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये ऑफ़र वही पुराना ऑफ़र है जो वापस आया है, जिसमें आप अपने दोस्तों को ट्रांजैक्शंस करते थे, मतलब आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी सेंड करते थे, उसके ऊपर पेटीएम जो है वो कैशबैक देता था। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये ऑफ़र के बारे में पता नहीं है। ये ऑफ़र जो है वो काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है। यूट्यूब पे लोगों को अभी पता चला इस ऑफ़र के बारे में, ये मतलब जब भी यूट्यूब पे वीडियोस आने लगे 5-6 महीने पहले, बट उससे भी पहले का ये ऑफ़र जो है वो पेटीएम ने चालू किया था। तो ऑफ़र बताने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये ऑफ़र कभी से चालू हुआ है। तो मेरे पास ईमेल का ट्रांजेक्शन्स, मतलब मैंने कंप्लेंट किया था वो टाइम पे, क्योंकि मैं मुझे कैशबैक नहीं आया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हो, मैंने जीमेल से पेटीएम को जो है वो ईमेल सेंड किए थे 2016 के जुलाई का। ये मतलब मैंने ईमेल किया था पेटीएम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट कैशबैक करके मैंने यहाँ पे भेजा था। तो वो टाइम पे पेटीएम 20 ट्रांजेक्शन्स पे ₹20 दे रहा था कैशबैक। तो तभी पेटीएम जो था वो उतना पॉपुलर नहीं था जितना वो आज है। तो तभी वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए मुझे ₹1 दे रहा था। तो उसके बाद मुझे और एक मेल आया था, यहाँ पे देख सकते हो, तो 25 ट्रांजेक्शन पे अशोर ₹10 वो कैशबैक दे रहा था। तो ये बहुत साल, मतलब दो लगभग 13-14 महीने पुराने बात है जब भी पेटीएम ने ये ऑफर चालू किया था, और तभी अच्छा खासा अमाउंट जो है कैशबैक दे रहा था। तो तभी मैं बहुत सारा ट्रांजेक्शन करता था, और तब भी मैंने अप्रोक्स ₹12,000 पेटीएम से कमा लिए थे और मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे। ये मतलब ये जो प्रोसेस है, ट्रिक है, उसको यूज करके, ट्रांजेक्शन करके डेली, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अच्छे खासे पेटीएम के अकाउंट थे, 15-20 अकाउंट थे, तो मैं डेली करता था वो। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद पेटीएम ने वापस पॉलिसी चेंज कर दी और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वो 0.15 पैसा दे रहा था, मतलब 0.15 पैसा। तो काफी छोटी अमाउंट थी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, बट उतना कैशबैक जो है वो नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने उसके बाद उसे बंद कर दिया यूज करना। और बाद में अभी रिसेंटली मैं ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि 0.15 ऐसे रैंडमली मुझे आ गया। तो मैंने और ट्रांजेक्शन किए, तो कुछ तो अलग बात हुई। मैं अभी उसके बारे में आपको वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको पता है ये ऑफर के बारे में तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कुछ तो नया निकला है पेटीएम की तरफ से इसमें, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा, तो वो टाइम पे मेरे वॉलेट में कितना था, ₹184 कुछ तो था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ₹15 ऐड किए थे, क्योंकि मेरे टोटल ₹200 हो जाए। तो 200 होने के बाद मैंने कल रात को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चालू किया था। January 3, 11:27 हो गए थे, तो मैंने ट्रांजेक्शन करना चालू किया। मेरे टोटल 8 अकाउंट में मैंने पैसा घुमाया इधर से उधर, मतलब रैंडमली मैं ऐसे ही सेंड करती गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, 12, 10, 16 ऐसे करके कुछ भी रैंडम घुमाते गया, और उससे पहले मेरे पास ₹200 था। तो टोटल ऐसा पैसा इधर से उधर ट्रांजेक्ट करने के बाद फाइनली मैंने मेरे मेन अकाउंट में वापस पैसा डाला। तो यहाँ पे देख सकते हो ₹252 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके थे। मतलब मैंने सिर्फ 1 घंटे में, मतलब 11 बजे मैंने चालू किया, 11:58 में कुछ तो मैंने चालू किया, और 12:53 में मैंने क्लोज कर दिया इसे। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो 252, मैंने 50, मतलब ₹52 1 घंटे में कमा लिए मेरे 8 अकाउंट से। तो वही ऑफर है, मुझे आपको बतानी है, मतलब 1 घंटे में 50 कमा सकता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल पेटीएम के अकाउंट हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो यही है ऑफर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने दोस्तों को एक ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहली बात जो मुझे आपको बतानी थी इसके बारे में वो है कि, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंड मनी का ऑप्शन दिखा रहा है, कैशबैक करके भी अभी दिखा रहा है। तो कभी कभी ये दिखाता नहीं, ऑफर बंद हुआ तो नहीं दिखाता, ऑफर चालू हुआ तो दिखा देता है। तो आप यहाँ पे पहले देख लेना कि ऑफर चालू है या नहीं, मतलब यहाँ पे कैशबैक करके दिखा रहा है, मतलब ऑफर चालू है। यहाँ से आप किसी को भी सेंड करोगे पैसा तो आपको जो है वो कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं पेटीएम के इस ऑफर के बारे में। तो इस ऑफर में जो है वो आपको कोई भी रैंडम ट्रांजेक्शन करना है आपके एक पेटीएम के अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, तो उसमें क्या हो रहा है, पेटीएम जो है वो कैशबैक दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको किसी भी एक रैंडम ट्रांजेक्शन पे जो है वो पैसा मिल जाएगा। तो किसी में ₹0.15 मिल रहा है, तो किसी में ₹10 मिल रहा है, किसी में ₹1, तो ऐसे रैंडम कुछ भी आपको अमाउंट जो है वो मिल रही है। तो मैंने टोटल कल 8 अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए थे, उसमें से 3 अकाउंट में मुझे ₹10
मिला था, तो मैं उसका आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि हर एक अकाउंट से आप खाली दिन में 20 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, मतलब 20 ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है, उसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। बट एक मोबाइल में आप कितने भी अकाउंट लॉग इन लॉग आउट करके ओपन कर सकते हो, और उसमें से जो है वो 20 ट्रांजेक्शन्स इजिली कर सकते हो। तो ये अच्छा खासा बेनिफिट है, मतलब कितने भी अकाउंट आपके पास होंगे तो वो पेटीएम में सिर्फ आपको लॉग इन करना है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, और उसके ऊपर रैंडम जो कितनी भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएंगी। तो किसी अकाउंट में 1 रुपीज़ मिलता है, किसी में 2 रुपीज़, तो किसी में 4, तो एक एक ट्रांजेक्शन को तो डायरेक्टली 10 रुपीज़ आता है। तो वो भी आपको एक बार मैं इस वीडियो में अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट अकाउंट जिसमें मैंने स्टार्टिंग में सेंड किया था 1.25 रुपीज़, उसके ऊपर मुझे 0.15 रुपीज़ जो है वो कैशबैक मिला था। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी अमाउंट सेंड करोगे तो ही पैसा मिलेगा, छोटे अमाउंट कितने भी 1 रुपये 2 रुपये भी सेंड करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 52 रुपीज़ सेंड किया था पर उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद यहाँ पे 0.15 पैसा मिला था, और यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपीज़ जो है वो कैशबैक मिला था मुझे, मैंने 6 रुपये सेंड किए थे तभी। तो ऐसी कितनी भी रैंडम अमाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, 4 जनवरी करके दिखा रहा है, मतलब कल रात को मैंने 1 बजे जो है वो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो थे वो सब किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपीज़ कैशबैक, यू सेंड मनी टू योर फ्रेंड, तो मतलब अपने दोस्तों को जब भी सेंड करोगे पैसा तो आपको पर्टिकुलर कैशबैक मिल जाएगा। तो उसके बाद इस सेम अकाउंट में मुझे 0.15 रुपीज़ भी मिला है, बाद में यहाँ पे 0.15 वापस। तो रैंडमली कितना भी आपको ट्रांजेक्शन करना है देख सकते हो, यहाँ पे -12 -6 मैंने किया था तो उसके ऊपर, और फाइनली जो है मैंने पैसा जो है मेरे मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद। तो मैं मेरा अभी सेकेंड वाला अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही 4 रुपीज़ सेंड किए थे और उसके ऊपर मुझे 10 रुपीज़ का कैशबैक जो है वो मिला था। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, नहीं तो आपको लगेगा मैं सेम अकाउंट ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंड वाला अकाउंट है जिसमें मैंने 4 रुपये सेंड किए थे तो उसके ऊपर मुझे 10 रुपीज़ का कैशबैक जो है वो मिला था। तो ऐसे मैंने रैंडम कोई भी अमाउंट सेंड कर रहा था, तो ये यहाँ पे देख सकते हो बीच में किसी भी नहीं मिला, तो यहाँ पे एक मिला 0.15 जब भी 4 रुपये सेंड किए, यहाँ पे वापस 0.15 पैसा मिला। तो ऐसे कुछ भी रैंडमली वो दे रहा है। तो थर्ड वाला और एक अकाउंट बाकी है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा थर्ड वाला अकाउंट, इसमें मैंने स्टार्टिंग में 23 रुपीज़ सेंड किए थे बट उसमें कुछ नहीं मिला मुझे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद यहाँ पे 0.15 पैसा मिला, वापस 0.15 मतलब 1 रुपये टोटल हो गए, वापस यहाँ पे 10 रुपये मिले एक ट्रांजेक्शन पे, मतलब 11 रुपये टोटल हो गए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 23 रुपीज़ यहाँ पे सेंड किया था और 10 रुपीज़ का जो है वो मुझे कैशबैक मिला था ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे 12:19 पे। मतलब ये तीन मेरे डिफरेंट अकाउंट है जिसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कल रात को ही करके रखी थी और उसको अभी आपको जस्ट प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो बस ऐसे रैंडम पेटीएम जो है वो अमाउंट दे रहा है कोई भी कैशबैक, वही आपको मुझे आज बताना था। मतलब ऑफर वैसे ओल्ड है तो अभी भी यूज़ करके आप उसे इजीली पैसा कमा सकते हो। तो बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो जो है टेक्निकल रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग के वो आप देख सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।